हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं अपने हॉस्टल का रिव्यू करने जा रहा हूँ। हॉस्टल का नाम है पेंट हाउस एट 34। ये एक हिसाब से कुआलालंपुर के पूरी सिटी के बीचों बीच में ही है। तो बिल्डिंग तो ये बहुत बड़ी है, एक काइंड ऑफ ए अपार्टमेंट हाई राइज है। तो इसके अंदर तीन ब्लॉक्स हैं, तो एक ब्लॉक के अंदर उन्होंने एक फ्लोर पे उन्होंने उसको सारे यूनिट्स को ना उन्होंने हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं इसमें इस वीडियो में आपको पूरा एक एक चीज़ बताऊंगा, उसका दिखाऊंगा भी। इसका एक बहुत ही बढ़िया सीक्रेट एक इन्फिनिटी पूल भी है, वो भी दिखाऊंगा। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। भाई जब आप यहाँ पे आओगे, जैसे अगर आप टैक्सी में आओगे तो आपका टैक्सी ड्राइवर आपको यहाँ उतारेगा, ये ड्रॉप अप और पिकअप एरिया में। और ये जो इसकी सारी जो ये कॉम्प्लेक्स का नाम है रिगेलिया रेजिडेंस। इसके तीन ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। जो ये हॉस्टल है पेंट हाउस 34, ये है ब्लॉक सी में। अब इसका चेक इन का थोड़ा मेरे को झंझट लगा, थोड़ा चेक इन का थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगा मेरे को। और ये जब मैंने चेक इन किया, सेम टाइप पे कितने लोगों ने चेक इन किया, तो सारे वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड थे चेक इन करने के लिए, क्योंकि इन्होंने जब आप बुकिंग करते हो तो ये चेक इन की इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई, क्योंकि ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, ब्लॉक सी है। आप आते हो, वो उन्होंने बताया नहीं आपको कि कौन से ब्लॉक में है, तो वो थोड़ा आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है, या इधर किसी से पूछना पड़ता है कि भाई चेक इन कहाँ कैसे करना है, कौन से फ्लोर पे है। तो चेक इन का है कि यहाँ पे एक काउंटर लगा हुआ है, तो वहाँ अगर आपने एडवांस में बुकिंग की होगी तो उसमें क्या है कि वहाँ पे एक टेबल लगा हुआ है, टेबल में ड्रॉर्स हैं, वो आप ड्रॉर्स खोलो, उसके अंदर आपके नाम की एक है ना मान लो रसीद रखी होगी, वो आप उठाओ और ब्लॉक सी के आगे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है उसको दिखाओ, फिर वो आपको बता देगा कि हाँ ये लिफ्ट पकड़ के ऊपर चले जाओ। अगर आपने की है सेम डे बुकिंग, जैसे मैंने सेम डे बुकिंग की थी, मैंने सुबह बुकिंग कर दी थी फॉर द सेम नाइट, तो उस चक्कर में क्या है कि उसमें वहाँ पर जो पर्ची लिखी होगी ना, उस पर कोई नाम नहीं लिखा होगा, वो उस पर सिर्फ लिखा होगा सेम डे बुकिंग। तो वो आप कोई भी सेम डे बुकिंग वाली वो पर्ची उठाओ और वो सिक्योरिटी गार्ड के पास चले जाओ, ब्लॉक सी के ग्लास डोर के पास, तो वो आपको समझा देगा कि हाँ ऊपर चले जाओ। फिर ऊपर जाके लेवल 34 है, पेंट हाउस एट 34 का मतलब ये हॉस्टल 34 फ्लोर पे है, तो आप फिर 34 फ्लोर पे चले जाओ, वो आपको एक एक्सेस कार्ड देंगे लिफ्ट यूज़ करने के लिए, लिफ्ट उसके बगैर जाएगी नहीं, तो वो आप टैप करके ऊपर चले जाओ 34 पे। तो 34 पे फिर मैं आपको अभी दिखाता हूँ 34 पे जाने के बाद क्या करना है। भाई ये ड्रॉअर पड़ा है फ्रंट एंट्री पे, पेंट हाउस ऑन 34, फिर ड्रॉअर खोलो और अपनी रसीद निकालो, फिर जाओ, ये भाईजान खड़े हैं, इसको इनको दिखाओ, फिर ये आपको समझाएंगे कि अंदर कैसे जाना। तो अंदर जाने के लिए ये लिखा हुआ है, इसके बगैर अंदर नहीं जा पाओगे। फिर ये अंदर आके इधर लिफ्ट्स हैं, एक्सेस कार्ड मेरे पास है, ये लिफ्ट्स आ गई, ये ऊपर जाने के लिए अब ये दबाया 34th फ्लोर। फिर भाई लिफ्ट से निकल के इधर से लो राइट, और
और ये दरवाज़ा है जो ये इनकी रिसेप्शन है, क्योंकि ये मसला है कि यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे तो लगता है कि ये सारे अपार्टमेंट्स हैं, जाना किधर है कुछ पता नहीं चलता, इंस्ट्रक्शंस भी नहीं देते ये। तो यहाँ पे जाके फिर ये आपको एक कोड देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये लगा हुआ है, ये कोड देंगे, वो कोड आपके वो पर्ची पे लिखा होगा कि अंदर कैसे जाना है, वो कोड यहाँ पे लिख के वो दरवाज़ा खुल जाएगा फिर। तो भाई आप ये दरवाजे से अंदर आओगे तो ये चेक इन है, यहाँ पे आप चेक इन करो, ये आपको सारा समझा देंगे। तो ये मेरा रूम है, ये मैंने बुक किया था 4 बंक बेड्स वाला मिक्स्ड, इसमें हॉस्टल में 6 मिक्स्ड बंक बेड वाला भी है। तो वो लाइक 4 बेड वाला थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे, 6 वाला थोड़ा सस्ता है, पर आप 4 में आपको थोड़ी ज़्यादा प्राइवेसी मिलेगी, वो थोड़ा शोर कम होगा क्योंकि कम लोग हैं। और आपको मैं अब अपना बेड दिखा दूँ, ये मेरा बेड है, ये आप देख सकते हैं, ये 1, ये 2 और इधर सामने 3 और ये 4। साथ में आपको अपना सामान रखने के लिए केजेस भी मिले हैं, पर ये केजेस के आपको अपना ताला खुद ही लाना पड़ेगा। सो बेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो 1-2 अपने छोटे ताले खुद साथ में कैरी करो, मैं हमेशा कैरी करता हूँ। सामने ये आपको एक ये मिल गया, थोड़ा सा अपना कोई सामान रखने के लिए या थोड़ा तैयार होने के लिए। और भाई सबसे बढ़िया इसकी बात कि सबसे बढ़िया बात आई थिंक ये इस हॉस्टल की खासियत ही यही है कि सारे जो रूम्स हैं उसमें जो व्यू है बहुत अच्छा व्यू है। ये व्यू देखो, ये थोड़ा इन्होंने कुछ कवर चढ़ाया हुआ है, पर यहाँ से व्यू बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरा बंक बेड है, ये मेरे बंक बेड से दिखाता हूँ, देखो व्यू डायरेक्टली फ्रॉम द बेड। तो मैंने यहाँ पे एक नाइट स्टे किया है, तो बेड काफ़ी कंफर्टेबल है, अच्छी नींद आई थी, ब्लैंकेट भी दिया आपको, पिल्लो भी दिया है, साथ में यहाँ पे रखने के लिए एक छोटा सा कह लो आप बेंच सा लगा हुआ है, थोड़ा रखने के लिए सामान है, एक पावर पॉइंट है अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए, एक लाइट है अगर आपने रात को कुछ बुक रीड करनी है या आपको कुछ लाइट चाहिए तो आप अपने कर्टन्स इधर करके अपनी लाइट जगा सकते हैं। कर्टन है ये, आप उसको पूरा खींच के पूरा अपना प्राइवेसी के लिए कर सकते हो। और एक कर्टन इन्होंने इधर भी दिया हुआ है, ये कर्टन है, ये भी आप इसको पूरा करके प्राइवेसी कर सकते हो। पर एनीवे मैंने तो इसको खुला ही छोड़ा है क्योंकि इतनी हाइट पे है कि कोई अंदर क्या देख सकता, कुछ दिखता ही नहीं है। तो मैंने तो इसको ऐसे ही रखा था कि जब रात को जब लाइटें चलती हैं तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। तो मैं तो कितना टाइम मैं यहाँ पर बैठ के बाहर देखता रहा और अपना कुछ काम करता रहा या फ़ोन पर कुछ काम कर लिया, फ़ोन पर कुछ देख लिया। मेरी हाइट कोई 5'7" है, तो मैं तो कंफर्टेबली फिट आ रहा हूँ क्योंकि मेरी तो नॉर्मल हाइट है। तो आई थिंक जो अगर कोई 6 फुट के भी किसी की होगी हाइट तो वो भी कंफर्टेबल होंगे कि अभी भी काफ़ी बेड पड़ा है आगे, अभी भी काफ़ी जगह है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लंबे बंदे के लिए भी, ये शुड बी ओके। रूम के सामने ही बाथरूम टॉयलेट है, ये सिंक है यहाँ पे, और ये शावर है नहाने के लिए। क्योंकि ये हॉस्टल है तो यहाँ पे जैसे आपको ना वो टॉयलेटरीज नहीं मिलेंगी, जैसे टूथब्रश या पेस्ट या शैम्पू या सोप या बॉडी वॉश, टॉवल भी नहीं मिलेगा, तो वो आपको सारा कुछ अपना साथ में कैरी करना पड़ेगा। देखिए ये हॉस्टल का तो ऐसा ही होता है, कुछ हॉस्टल्स में मिलता भी है, पर यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो आपको अपना सारा कुछ लेके आना पड़ेगा। मैं तो गलती मैं टॉवल भी नहीं लाया था, तो मैंने इनसे टॉवल खरीदा है,
टावल 10 रिंगिट का टावल दिया है। वो टावल बड़ा घटिया है, बहुत ही पतला टावल है, वो उसे साफ करने में पूंजने में बड़ी मुश्किल आई है, वो घटिया टावल था। तो टावल अपना प्लीज़ जरूर कैरी करें। ये एक इनका कॉमन एरिया है जो मेन रिसेप्शन है, उधर से ऊपर आप आ सकते हो सीढ़ियों से। तो यहाँ पे आके एक मेन रिसेप्शन कॉमन एरिया है, सिटिंग एरिया, यहाँ पे आप बैठ सकते हो। यहाँ की मैपिंग, ये हॉस्टल की कैट है, ये यहीं रहती है आई थिंक, ये इनकी पेट ओनर की है। तो भाई बड़े आराम से सोई हुई है, मैं सुबह उठा था तो मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था, तो ये किचन में थी तो कुछ ना कुछ बोली आ रही थी कि आई थिंक खाना दो या कुछ दो, म्याओ म्याओ कर रही थी। अभी भाई आराम से सोई हुई है। दो रूम्स यहाँ पे भी है, इसके अंदर तो मैं अभी जाऊँगा नहीं क्योंकि अंदर गेस्ट हैं। तो ये भी आई थिंक डॉर्मेट्री होंगे। इस हॉस्टल में आप अपना प्राइवेट डबल बेड भी ले सकते हो, जैसे अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो इसमें आपको वो भी मिल जाएगा। देखो भाई ये है हॉस्टल का रूफटॉप टेरेस, और इसका व्यू देखो भाई क्या व्यू है यार, मल्टी मिलियन डॉलर व्यू, ज़बरदस्त क्या व्यू है यार। यहाँ पे आप बैठ सकते हो, अपना खाना खा सकते हो, चाय कॉफ़ी जो भी यहाँ पे है आप अपना आराम से बैठ सकते हो। आजकल तो थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ा है ना क्लाउडी है, अगर धूप खिली हो तो ये व्यू और भी ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि अब देखो आप देख सकते हो बादल आए हुए हैं, बिल्डिंग के नीचे बादल आए हुए हैं, सारा इन्होंने रूफटॉप काफ़ी प्लांट्स भी लगाए हुए हैं, तो उस तरफ भी आइए। ये व्यू देखो क्या बात है। अगर जैसे हॉस्टल्स के होते हैं ना, हॉस्टल्स काफ़ी सस्ते ही होते हैं, बट ये क्योंकि इसका व्यू बहुत ज़बरदस्त है ना, और इसकी जो अमेनिटीज़ हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स में है तो इसकी अमेनिटीज़ बहुत हैं। इसमें आप जिम भी जा सकते हो, और नीचे एक यहाँ इस बिल्डिंग में दो पूल हैं, वो पूल भी मैं आपको दिखाऊँगा। एक तो 5th फ्लोर पर है, वो तो लाइक नॉर्मल पूल है, बट एक इनका पूल है 37th फ्लोर पे, इन्फिनिटी पूल, वो ज़बरदस्त पूल है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसका है कि वो 1 घंटे का स्लॉट आपको बुक करना पड़ता है, इस इंक्लूडेड इन द प्राइस, वो 1 घंटे का आपको स्लॉट बुक करना होता है। वो प्रोसीजर आपको फ्रंट डेस्क का स्टाफ वो भी आपको समझा देगा। तो उसका जो स्लॉट है वो सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक जाता है, तो वो स्लॉट आप बुक करो और आप वहाँ चले जाओ। वो ब्लॉक ए में है, तो आपको ब्लॉक सी से निकल के ब्लॉक ए जाना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने इस हॉस्टल के 1 नाइट के मैंने कोई पैसे पे किए हैं तकरीबन 100 रिंगिट, तो 100 रिंगिट अगर आप करो तो कोई 1800 इंडियन रुपीस हो गए। एक हॉस्टल के हिसाब से थोड़ा महंगा है, बट ये बस पैसे ही उसके ले रहे हैं, एक ये व्यू के और एक अमेनिटीज़ के, ये पैसा ही वही ले रहे हैं, क्योंकि अगर उसके अलावा देखा जाए तो नॉर्मल है, कि जैसे बाथरूम टॉयलेट है वो नॉर्मल है, कोई ख़ास नहीं है, वो ठीक है, वो नॉर्मल है, और ये सारा पैसा ही इसका व्यू का है और इन्फिनिटी पूल का, ज़्यादा पैसा वही है। ये एक्चुअली में ना जैसे 2 यूनिट्स इन्होंने कंबाइन किए हुए हैं, सो आप उधर से आते हो, वो पीछे से आते हो, इस तरफ से मैं आया हूँ, तो ये आप ऊपर रूफटॉप टेरेस को क्रॉस करके आप इस तरफ जा सकते हो। ये टेक्निकली ये दूसरा यूनिट है, पर ये ऊपर से कंबाइंड है, तो यहाँ से आप उधर से नीचे जा सकते हो, वो भी एरिया हॉस्टल का ही है। वो डॉक्टर क्रॉस करोगे तो यहाँ पे एक
वर्क एरिया बना हुआ है, यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो। वाईफाई थ्रू आउट द प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आप अपना लैपटॉप टैबलेट जो भी है, आप अपने जैसे यूट्यूबर्स हैं वो अपना यहाँ पे बैठ के एडिटिंग कर सकते हैं, अपना आराम से काम कर सकते हैं। इन्होंने ये प्रेस भी दिया, आयन भी दी हुई है कपड़े प्रेस करने के लिए, दो रूम्स इधर भी हैं। और यहाँ से हम दूसरे तरफ जा सकते हैं नीचे। मैं दूसरी साइड आ गया हूँ, इधर से अगर बाहर जाएंगे तो वो सेम हॉल आ जाएगा और दूसरा डोर उस तरफ है उधर। तो ये दो यूनिट इन्होंने कंबाइन किए हुए हैं। कुछ रूम्स इधर हैं, एक टॉयलेट इधर भी है, वॉशरूम बाथरूम सब इधर है, सेम स्टाइल का इधर भी है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आप इधर ज़रूरी नहीं है कि आपको वो यूज़ करना है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो ये काइंड ऑफ डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे आप अपना अगर फूड बाहर से ला रहे हो तो आप बैठ के खा सकते हो। इन्होंने बर्तन प्रोवाइड किए हुए हैं, तो ये है कि अपना खुद साफ़ करना है, साफ़ करके वहाँ रखना है, वो इन्होंने लिखा हुआ है। ये फ्रिज माइक्रोवेव इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप अपना खाना अंदर भी रख सकते हो, लेबल डाल के अंदर रख सकते हो। और ये देखो फिर व्यू, ये बालकनी है, ये बालकनी है, आप बाहर जा सकते हो, यहाँ पे बैठ सकते हो। जैसे व्यू का भाई, ये जिम है, मैं अभी अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेकआउट कर दिया है। बट ये आप जिम अपनी जो आपने पैसे पे किए अपने बेड के लिए उसमें इंक्लूडेड है, आप ये जिम भी यूज़ कर सकते हो। जिम सारी मशीनें हैं, ट्रेडमिल भी है, रनर्स हैं, सारे हैं, वेट वाली मशीन भी है। तो आप अगर आप जिम वाले बंदे हो तो आप जिम भी लगा सकते हो। भाई ये लिफ्ट है, ये जाती है इन्फिनिटी पूल को, ये स्विमिंग पूल का ऑपरेशन टाइम लिखा हुआ है। थर्टी सेवन्थ फ्लोर पे है इन्फिनिटी पूल, टॉप फ्लोर पे। ये भाई इन्फिनिटी पूल। सर मैं सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस। ये है भाई अपना 37th फ्लोर पे इन्फिनिटी पूल, इंक्लूडेड इन योर प्राइस, रूम प्राइस। क्या जबरदस्त है भाई, क्या नज़ारा है। आप स्विमिंग पूल यूज़ करने के बाद यहाँ पे शावर फैसिलिटीज़ भी है, ये मेरे पीछे भी शावर फैसिलिटीज़ है। आप यहाँ पे नहाने के, स्विमिंग पूल यूज़ करने के बाद यहाँ पे नहा के फ्रेश होके अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। एक शावर फैसिलिटी वो पीछे भी है, आप उधर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे जो शावर फैसिलिटी है वो मेरे को अच्छी नहीं लगी, कि इतना अच्छे पूल के हिसाब से जो शावर फैसिलिटीज़ हैं वो वेल मेंटेन नहीं है। और जैसे वहाँ पे आप मान लो कपड़े टांगने के लिए कोई हुक्स नहीं है, और थोड़ा मुझे गंदा भी लगा थोड़ा। तो है कि इतनी अच्छी अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है तो थोड़ा शावर को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये तो सेलिंग पॉइंट है ना कि इन्फिनिटी पूल है, तो उसके साथ जो दूसरी अमेनिटीज़ है वो थोड़ी साफ़ होनी चाहिए। मेरे को वो थोड़ा अजीब लगा। बाकी इसके अलावा ओवरऑल कहा जाए तो पैसे वसूल हैं, मतलब कि व्यू के पैसे हैं ज़्यादा, तो व्यू के इन्फिनिटी पूल के पैसे हैं।
जैसा मैंने बताया कि इन्फिनिटी पूल यूज़ करने के लिए आपको स्लॉट बुक करना पड़ता है फॉर 1 आवर, और आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे 2 नाइट्स रुक रहे हो तो आप दो दिन में आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर ब्लॉक सी के साथ इधर एक छोटा सा ना मेकशिफ्ट एक कैफ़े भी है, यहाँ पे अपने पाकिस्तानी भाईजान ही काम करते हैं। तो यहाँ पे क्विकली आपने जैसे कॉफ़ी ग्रैब करनी है या कुछ लाइक बेक्ड आइटम्स क्विकली, जैसे क्रोसॉन्ट या मफिन या सॉसेज रोल या चॉकलेट रोल, आप कुछ खाना है, सैंडविच खाना है, कुछ जूस लेना है, तो आप क्विकली यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। आप देख रहे हो जैसे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। ये थोड़ा प्राइसी तो है बाहर के मुकाबले, कि जैसे मैंने कॉफ़ी के 10 रिंगिट दिए थे, बाहर तो 5-6 रिंगिट में मिल जाएगी। पर यही है कि आप नीचे उतरो लिफ्ट से, और अगर आपको कोई कॉफ़ी लेनी थोड़ा बहुत खाना है तो यही आप खा लो, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे छोटा सा लाइट सा ब्रेकफास्ट यहीं कर लिया, तो ठीक है। गाइस मैं अब अपने होम टाउन अमृतसर जा रहा हूँ, कुआलालंपुर से, मलेशिया से। मेरी कुआलालंपुर की ये छोटी सी सीरीज़ अब यहीं ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अब घर जा रहा हूँ, मम्मी पापा से मिलूँगा, कुछ दिन सेटल होगा, फिर कोशिश करूँगा कि कोई इंडिया की सीरीज शुरू की जाए। अपना होटल से यहाँ तक का एयरपोर्ट का अभी का जो अपने करंटली का है वो मैंने कोई ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी जल्दी मैं आ गया हूँ, तो मैंने कोई ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं है, सीधा अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उतनी देर के लिए आपका सबका धन्यवाद, थैंक यू। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।